काफ़ी अच्छी रही। एंड अभी हम जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, एंड साथ में एक फॉर्म भी दिया था मैंने उस टाइम पे अराइवल कार्ड करके, तो उसका फ़ोटो मैं आज बता दूँ नीचे, उसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। तो वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म के प्रोसेस में सबसे पहले हमें मिलता है अराइवल कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया था फ्लाइट के अंदर मुझे एक अराइवल कार्ड मिला था, जो कि यह था ये। इसमें कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपको दिया जाएगा जब आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, एंड ये आपको जब आप पूरा घूम के वापस आते हैं तब तक अपने साथ संभाल के रखना पड़ेगा, एंड जब आप रिटर्न हो जाओगे तब आपको ये वापस आपसे ले लिया जाएगा। तो आप इसे कैसे भरते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। फैमिली नेम आपका सरनेम आ जाता है, फर्स्ट और मिडिल नेम आपका नेम आ जाता है। जैसे मेरा नाम है चिराग, फैमिली नेम सचदेव, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो भरनी है, पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, नेशनलिटी इंडियन, फ्लाइट नंबर व्हीकल नंबर आपको फ्लाइट पर पता पड़ जाएगा, और सिग्नेचर। ये जो पार्ट है ये अब आपके पास रहेगा जब तक आप घूम के या अपने काम से होके नहीं आ जाते। हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पार्ट की तरफ। इसमें वही है फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जैसे आपको बताना है, जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ऑक्यूपेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रोफेशनल बिजनेस जो भी आपको वो बढ़ना है, पर्पज़ ऑफ विजिट हॉलीडे मीटिंग फॉर वर्क जो भी आपका है वो, लेंथ ऑफ स्टे इसके आगे जैसे लिखा हुआ है 6 to 7 days जो भी आपका है अप्रोक्स लिख सकते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे एग्जैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है। सिटी स्टेट आपको बनने हैं, कंट्री ऑफ रेसिडेंस वो आपको बनना है, एड्रेस इन थाईलैंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका जैसे आप थोड़ा सा भी भूल चूक कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता या थोड़ा बहुत भी गलत होता है तो वो आपके वीज़ा अराइवल प्रोसेस को रोकते हैं, आपको कंफर्म करने का टाइम देते हैं। लेकिन काफ़ी लंबा टाइम अटके इससे अच्छा है कि आप पूरे एक एक डॉक्यूमेंट अपने पास साथ में ही रखें, अपने फ़ोन में सेव करके रखें ताकि वीज़ा अराइवल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसा एक पर्सन के साथ हुआ था हमारे साथ। टेलीफोन जो आपका मोबाइल नंबर है वो, ईमेल आपके ईमेल एड्रेस, सिग्नेचर आपके साइन कर देना, पासपोर्ट नंबर साइड में वो जो लिखा हुआ है उसमें आपको वो भरना, पासपोर्ट नंबर अपना जो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, एंड वीज़ा नंबर वो खुद भर देंगे आपका। हम जैसे ही इसको भरते हैं इसके बाद हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट, इसको मतलब पीछे करते हैं, एंड इसमें छोटा सा एक प्रोसेस है जो कि था टाइप ऑफ फ्लाइट चार्टर शेड्यूल। वेल चार्टर वाले ये वीडियो बिल्कुल नहीं देख लेंगे, देख लेंगे तो थैंक यू। तो हमारा रहता है शेड्यूल नॉर्मल इन दिस योर ट्रिप, फर्स्ट टाइम अगर आपका थाईलैंड गया तो येस, अदरवाइज नो। अगर आप किसी टूर ग्रुप के साथ है तो येस, अदरवाइज नो। अकोमोडेशन होटल हॉस्टल जिसमें भी, गेस्ट हाउस एयरबीएनबी, जैसे मेरा था हॉस्टल तो मैंने हॉस्टल पर टिक किया था। पर्पज़ ऑफ विजिट मेरा हॉलीडे था, हॉलीडे अगर आप किसी काम से जाए तो वो। ईयरली इनकम अगर कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम, अगर जो भी इनकम है इससे तो उस हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा। तो ये था सबसे ज़्यादा सिंपल अराइवल कार्ड बनना। इसके बाद हमें आगे मिलता है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म। वेल सबसे पहले इसमें लिखा है फोटोग्राफ 4x6 cm। वेल 4x6 cm आपको रिसेंटली होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो वो काम नहीं करेगा। वेल हम भी ये 4x6 cm का फ़ोटो लेके गए थे, बट काफ़ी ज़्यादा लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ही लगाते थे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही भरना है, सचदेव चिराग आपका जो भी वैसे, नेशनलिटी इंडियन, पासपोर्ट नंबर आपके लिखा हुआ रहता है, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू कहाँ से है वो भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट की जो भी है, फ्लाइट नंबर आपको फ्लाइट में पता पड़ जाएगा, ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल बिजनेस जैसा भी है आपको वो भरना है, परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है आपके घर का एड्रेस वो लिखना है, एड्रेस इन थाईलैंड जो भी आपका होटल हॉस्टल जहाँ भी आप स्टे करने वाले वहाँ के लिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन्स ऑफ रेफरेंस इन थाईलैंड। अगर आपको थाईलैंड में कोई पर्सन है जिसका आप रेफरेंस दे सकते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं है तो। सिग्नेचर एंड डेट आपको यही भरना है, इसके अलावा नीचे का जो है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली ये वो खुद भरेंगे। एंड अब हम करते हैं बात कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है और क्या अच्छी खुशखबरी है थाईलैंड जाने से। वेल नीचे अगर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, वीज़ा फ़ी इज़ 2000 baht पर पर्सन। तो यही हमारे बेनिफिशियल है, वो ये है कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने अपने टूरिज्म से रिलेटेड एक स्टेप लिया था, एंड उन्होंने 31st October 2019 तक इसे वीज़ा अराइवल फ्री कर दिया था इंडियंस के लिए। एंड अभी कुछ टाइम पहले जब उन्होंने इस चीज़ को चेक किया कि इसका क्या आगे चल रहा है, देन दे आर सरप्राइज एंड शॉक बोथ। वो इसलिए क्योंकि इंडिया से 1.6 मिलियन अप्रॉक्स पीपल थाईलैंड गए, तो ये काफ़ी अच्छा फिगर ऑफ अमाउंट था थाईलैंड के लिए, एंड उन्होंने देखा कि ये काफ़ी बेनिफिशियल आ रही है इस ट्रैप उनके लिए, जिन्होंने एक सिर्फ चेक करने के लिए किया था कि क्या होता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला उसका, तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। एंड उन्होंने एक चीज़ और आगे बढ़ाई है, वो ये कि इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अब फ्री है। तो जैसे नीचे लिखा हुआ है वीज़ा फ़ी इज़ 2000 baht पर पर्सन, इट मीन्स 4400 rupees इंडियन करेंसी के हिसाब से, ये अब आपको बिल्कुल नहीं पे करनी पड़ेगी। अब आप
बाय।